क्या बात है यार। ऐसे कर दो यार, दूजा भी दिखा दो, सेम बर्गर है ठीक है। आगे लाओ आगे लाओ आगे लाओ, जूमिंग। चल यार यहाँ पे था ओपनिंग का, ओपनिंग सेरेमनी ठीक है, तो भाई मुझे उसकी वीडियोस दिखाने वाले हैं। भाई का नाम क्या है? हंजला। ओके हंजला भाई, देखते हैं यार। वो मैंने मिस कर दी, मैं जरा मम्मा के साथ गया हुआ था। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक होंगे, क्या खरीद? तो आपका भाई इस वक्त आया है एक न्यू रेस्टोरेंट में, जिसकी ये सेकेंड ब्रांच है मुल्तान के अंदर, जिसका नाम है लिट। जरा व्यू दिखा दो सबको। शाम के बोल रहे हैं 4:30 का टाइम, सुबह तो नहीं खैर शाम, असल में मेरा स्टूडेंट का था आज रिज़ल्ट, पास हो चुका है माशाल्लाह से, क्लियर है, तो वो मुझे देने वाला है यहाँ पे ट्रीट। तो चलते हैं और फुल इसका विज़िट भी कराते हैं आगे फॉलो। उस्मान कहाँ पे बैठना बताऊँ? कहीं भी देख लो, देखो कैसा लग रहा है तुम्हें ये रेस्टोरेंट। अच्छा, यहाँ पे कल एक लाइव कॉन्सर्ट भी हुआ है जो कि मैंने मिस कर दिया। What a pretty place यार। यार यहाँ पे डाइनिंग हो जाएगी? तो कहाँ बैठे हैं उस्मान? ब्रो मुझे भी ले आओ ब्रो। कहाँ बैठना है? थोड़ा सा पीछे बताओ कहाँ बैठना है। ये अंदर बैठना है, इसी में अंदर ही चलो। यार धूप बहुत ज़्यादा है तो अब हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा फेस वॉश कर लूँ, तो यहाँ पे है वॉशरूम। वॉशरूम में आए, इसका तो वॉशरूम भी बहुत प्यारा है यार। व्हाट्सअप गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे होता ही है कि आपका भाई जहाँ भी जाएगा इतने खूबसूरत खूबसूरत रेस्टोरेंट्स में या कहीं भी, इतना प्यार, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो प्रेस द बेल आइकन और एंजॉय दिस वीडियो। मैं थोड़ा फेस वॉश कर लूँ, बताऊँ आपको फेस वॉश करने के बाद। मज़ा आ गया। सीन ये है कि बाइक पर आए हैं हम ठीक है, गाड़ी भी इंशाल्लाह आ जाएगी वक्त के साथ साथ, तो बहुत गर्मी थी इसके अंदर, थोड़ा फेस वॉश कर लें। अब सीन तो गर्मी का बहुत ज़्यादा हुआ है। उस्मान अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं? अंदर बैठे हैं। ओके चलते हैं अंदर और ऑर्डर शॉर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद एक पूरा टूर मैं करा दूँगा इस रेस्टोरेंट का ठीक है। यार ये देखो, ये वॉशरूम से निकलो और इतना खूबसूरत व्यू, चसी आ गई यार। कल मुझे आ जाना चाहिए था जो कि मैं मिस कर चुका हूँ कल। ये उस्मान है, हाय कर दो उस्मान। तो चलते हैं अंदर और पिज़्ज़ा वीज़ा खाते हैं मैं। एक्सक्यूज़ मी यार, मेन्यू ले आए। थैंक यू। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ब्लॉग अंदर बन नहीं सकता था, तुम्हें पता तुम्हारा भाई शर्मिला है, तो मैंने कहा बाहर ही बैठते हैं और बस मेन्यू मंगवाया है, आता है और ऑर्डर करते हैं। तो यार अभी समझ नहीं आ रहा, मेन्यू इतना बड़ा है। क्या खाना है उस्मान बताओ? पिज़्ज़ा ही दे दो। पिज़्ज़ा यार, मेरा बर्गर खाने का दिल है। चलो वो आए तो उसे ऑर्डर दे दो फिर। सुप्रीम इनका बेस्ट फ्लेवर है, क्योंकि मैंने इनके गुलगस ब्रांच का भी ट्राई किया हुआ है जैसे आता है। पर और साथ में ना उन्हें कहना एक मिंग मार्गरीटा और साथ में एक रेगुलर कोक या पेप्सी, बस ये दो ऑर्डर दे देते हैं और चलते हैं। यार मालिक आ गए थे, उनसे हमें परमिशन ले ली, उन्होंने कहा हमने नीचे क्यों नहीं बिठाया, हम जा रहे हैं नीचे बैठने। तो ये सीन है यहाँ का, लेट्स गो। आए आए आए, तो जी फाइनली हम अपनी फेवरेट प्लेस पे आ चुके हैं, क्योंकि मालिक के ऑर्डर्स आ गए थे। पहले हम आए थे, उसने क्या कहा था हमें, यहाँ पे सफाई नहीं होगी राइट। देखो फिर बैठने का दिल तो मेरा ऊपर है, लेकिन वहाँ पे अभी बैठने की प्रॉपर जगह नहीं बनी हुई, स्टेयर्स वाला नहीं है। ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर में ये चेंजेस हैं कि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया, ग्रिल बर्गर किए हैं। आता है तो फिर दिखाते हैं आपको। तो जी
ग्लासेस तो मैं ले आया था, लेकिन उस्मान गर्मी इतनी ज़्यादा है मेरा पिक्चर लेने का दिल नहीं कर रहा, क्या करें। ये देखो वो अभी कूलर ऑन कर रहे हैं, फिर वो कूलर शूलर ऑन करते हैं और फिर अल्लाह करे मूड बन जाए पिक्चर्स लेने का। गर्मी तो यार बहुत ज़्यादा है यार, मैं तो घर में बैठे बैठे पता नहीं लग रहा था, इसलिए बैठ के पता ही नहीं चलता। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि भाई फैन ले आए हमारे लिए और कूलर भी चल रहा है, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही। एज़ यूजुअल पसीना देख सकते हो कितना आ रहा है हमें, और बस यही सीन है। बैठने को हम इंडोर बैठ सकते थे, बट फिर मैंने कहा यार ब्लॉग सही बनेगा नहीं, तो अब सीन ओके है क्योंकि एक पंखा यहाँ लग गया और एक कूलर वहाँ है, और देखो इस वक्त यहाँ कोई है भी नहीं, तो ओके सीन है यार। सामने इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन हैं, पिक्चर ले लेते हैं। तो उस्मान भट्ट साहब लेंगे हमारी पिक्चर्स, और दिस इज़ द बैकग्राउंड। ये पिक्चर्स आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगी। तो यार पिक्चर विक्चर्स ले रहे थे, आप क्या करके दिखाने वाले हैं हमें? स्मोक और फायर। स्मोक फायर, मुझे पता तो नहीं है होता क्या है, क्योंकि गुलगश ब्रांच में इनका ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी, दिस इज मेन मार्गरिटा, वेट ही कर रहे हैं कब होगी ये स्मोक फायर। इधर मेरी पिक्चर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो मैं देखने को मिल जाएंगी। यार अंदर के माचिस तो नहीं, कितना टाइम लगा रहे हैं। 2000 years later. सीन ये हुआ है कि उनका लाइटर हो चुका है गुम, तो उसने कहा थोड़ा सा वेट कर लें, आपको शशका दिखाते हैं। मैंने कहा व्हाई नॉट यार, क्यों नहीं। इसमें इतने में तुम ये कॉर्नर भी देख लो यार, बहुत ही प्यारी वाइब दी हुई है यार, कसम से। मतलब जो गुलगश्त वाली ब्रांच है ना लिट की, वो भी आउट क्लास है, नो डाउट। वो पता नहीं आपने देखी है या नहीं, लेकिन आप गुलगश्त ब्रांच लिट लिख के गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बट जो ये वाली है ना उस्मान, मैं कहता हूँ वो जो गुलगश्त ब्रांच है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो ये मैं कहता हूँ जा ही जा रही है भाई, ख़त्म ही नहीं होती। और इसका एक एक पॉइंट माशाल्लाह खुले खर्चे, मतलब जिथे देखोगे उठे तो तुसी यार पंजाबी नहीं बोलता, मुझे नहीं आती, जिथे यार लगता ये पागल हो गया। जहाँ आप देखोगे आपको पिक्चर्स लेने के कॉर्नर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। एक एक चीज़ को ये देखो, ये जाली है जो वो मुर्गियों के उस पर लगी हुई होती, मतलब उस्मान कितनी क्रिएटिविटी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये रात को असल मज़ा कराएगी जब लाइटिंग, लेकिन हम तो अभी चले जाएंगे, रात को बहुत मज़ा कराने वाली ये चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं और फोटोशूट कर लूँ, इतने में वो स्मोक क्या कह रहा था, वो पता नहीं ऐसी कुछ स्मोक करने वाला है, वो दिखाएगा हमें करतब करके। तो जी फाइनली लाइटर बॉस का आ चुका है और अब ये करने वाले हैं करतब। ओके जी, थोड़ा कैमरा यूँ कर लूँ, आई थिंक हम जल्दी आ गए हैं इस वजह से। वाओ, पेट्रोल है ये। ओके थोड़ा मैं पीछे होके खड़ा हो जाऊँ। 1, 2 and 3। ओहो, अबे यार ये इतना विजिबल नहीं हो रहा, रात को ज़्यादा अच्छा लगता। वाओ ब्यूटीफुल, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। अपना ऑर्डर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब खाते हैं और खाते हुए आपको टेस्ट का रिव्यू देते हैं कि वो कैसा था। अभी ख़त्म नहीं हुआ। ओके माय गॉड, ओ भाई साहब क्या बात है यार। प्रिटी यार, थैंक यू। ये ज़रा यार टेबल पे सर्व कर दें, थैंक यू। बहुत मज़े का था, कैसा लगा तुम्हें इसमें? चलते हैं अपने टेबल पे और खाते हैं खाना और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। चल यार, यहाँ पे था ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है। तो भाई मुझे उसकी वीडियोस दिखाने वाले हैं। भाई का नाम क्या है? हंसला। ओके हंसला भाई, देखते हैं यार। वो मैंने मिस कर दी, मैं ज़रा मामा के साथ गया हुआ था बाहर, तो इतने में बीते हैं मैं मार्केट का, मज़ा आ गया। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। फायर शो, नाइस यार। ये जो अभी आपने किया है वही था ना रात को? ये कुछ इस तरह से लगता है, अभी इतना विजिबल नहीं हो रहा था क्योंकि रोशनी थी इसी वजह से, लेकिन मज़ा तो अभी भी आया। थैंक यू सो मच। तो जी अपने बर्गर भी आ चुके हैं, देख सकते हो कितने मज़े के लग रहे हैं, ठीक है। वैसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या हुआ? पेप्सी
पेप्सी नहीं पीनी तुमने? कोई भी हो जाए। तो अब हम इसका रिव्यू देने वाले हैं। उस्मान भट्ट साहब, प्लीज़ कैन यू टेक कैमरा, टेक माई कैमरा, छोड़ो इंग्लिश में, मेरा कैमरा पकड़ लो, वीडियो ऑन है, देखो। अच्छा जी, टाइप से कर लो यार। दूसरा भी दिखा दो, सेम बर्गर है, ठीक है। आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ, जूमिंग। ओके, फोन दिखाओ मेरी शक्ल ना। बिस्मिल्लाह रहमान, मैं नज़र ना ला देना यार, थोड़ा पीछे कर ले, बहुत आगे। ओह, उनके स्मोक शो की तरह ये भी लाजवाब है। इसका भी स्मोकी स्मोकी टेस्ट है। अगर आप लोग मुल्तान में रहते हैं तो इसकी लोकेशन मैं बता देता हूँ। बेसिकली मॉल ऑफ मुल्तान की बिल्कुल बैक पर है ये, लिट LIT के नाम से रेस्टोरेंट। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मस्ट ट्राई है, सब कुछ इनका बहुत अच्छा है, एम्बियंस सब कुछ मतलब। और सबसे बड़ी बात, कहीं हम जाते हैं तो उस्मान उनका बिहेवियर थोड़ा सा रूड होता है। सारा स्टाफ ही बहुत अच्छा है, स्पेशली मालिक हमारे पास आया क्योंकि मैं ब्लॉक कर रहा था। उन्होंने कहा आप यहाँ बैठे हैं, आप जा कर मास्क लगाते हैं, कूलर लगाया, सब कुछ किया। यहाँ इधर दिखाओ, यहाँ कोई भी नहीं बैठा हमारे। स्पेशली ये जगह हमें दी है, तो अगर ओनर भी देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। खाते हैं और मिलते हैं आपसे फिर। तो जी, खाना शाना खा लिया, बिल शिल भी दे दिया और हाथ धोने आने थे, अब हम जा रहे हैं घर। रास्ते में देखेंगे, अगर कुछ अच्छा लगा तो रुक जाएंगे वहाँ पे, नहीं तो फिर घर चल के मिलते हैं आपसे। रेस्टोरेंट की सबसे मज़े की बात, इनकी एक गाड़ी आए, हाय हाय हाय, क्या इनकी कार है यार। और ये बाहर से कुछ इस तरह का है, आए तो मस्ट ट्राई है, टेस्ट बहुत अच्छा है। और बस